हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। आज के वीडियो में मैं आपको स्किन वाइटनिंग क्रीम जो कि फुल बॉडी के लिए है वो बनाना बताऊंगी। ये क्रीम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है। यह हमारे स्किन को ब्राइट करती है और बॉडी के डार्क पार्ट को लाइट करती है और ये सनबर्न एंड सनटैन को भी रिमूव करती है। और विंटर में जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ये उसे सॉफ्ट बनाती है और स्किन में ग्लो लाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। ये एक रोज़ क्रीम है जिसे हमने गुलाब से बनाया गया है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैं गुलाब की पत्तियाँ लूँगी। यहाँ पर सभी पत्तियाँ ताज़ा हैं, आप इसको बनाने के लिए ताज़ा पत्तियाँ ही लीजिएगा, मुरझी हुई और सूखी हुई पत्तियाँ मत लीजिए। क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में फूलों की पत्तियाँ ली हैं जिनको मैंने तोड़ के अलग कर लिया है और मैं यहाँ पर एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ नेचर्स का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करूँगी, साथ में मैं यहाँ पर कच्चा दूध ऐड करेंगे और ये विटामिन ई कैप्सूल हैं एव्यून के और ये वैसलीन है। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन फूलों की पत्तियों को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, उसके लिए इन सबको लेके और थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैंने इस पेस्ट को पहले से बना के तैयार रख रखा है और इसे अच्छी तरीके से छलनी से छान लेंगे जिससे ये बिल्कुल पतला और गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और छनकर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को भी मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ जिससे हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक बाउल में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर एलोवेरा ऐड करेंगे। एलोवेरा स्किन के डार्क सर्किल को ख़त्म करती है, स्किन को ब्राइट और लाइट करती है और ये नेचुरल स्किन को ग्लो लाती है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा हर चीज़ में ऐड किया जाता है और ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून एलोवेरा ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ज़रूरत है आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, जितने आपको क्रीम बनानी है। यहाँ पर 2 विटामिन ई कैप्सूल मिलाओगे। विटामिन ई कैप्सूल भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन की झुर्रियों को, दाग धब्बों को, सांवलेपन को दूर करता है और स्किन को वाइट करता है और स्किन में ब्राइटनेस लाता है। अब हम यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन को ग्लो करती है। विंटर में जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसको सॉफ्ट बनाती है और ये हमारी स्किन को ग्लो करती है। जो डैमेज स्किन होती है ये उसको रिपेयर करती है। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको क्रीम बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। इसमें मैं वैसलीन ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप वैसलीन मत मिलाइएगा, बट ड्राई स्किन के लिए वैसलीन बहुत बेस्ट है। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिला लेने के बाद कुछ इस तरीके से थिक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे आपको एलोवेरा और ग्लिसरीन को अच्छे से फेंटना है जिससे ये अच्छे से मिल जाए। गाइस, ये क्रीम स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। वैसे तो मार्केट में कई स्किन वाइटनिंग क्रीम अवेलेबल है बट वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होते हैं जो हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं। और मार्केट में मिलने वाली क्रीम हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। बट ये क्रीम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। ये हमारी स्किन को लाइट करती है और हमारी स्किन को ब्राइट करती है और धीरे धीरे स्किन में ग्लो लाती है। गाइस, अगर आप इसको 15 डेज तक कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको अपने फेस पर खुद ग्लो महसूस होगा। अब मैं आपको इसे लगाना बताऊँगी। मैं इसे यहाँ पर हाथ पर लगा रही हूँ। आपको इसे रात को चेहरे को अच्छे तरीके से धोकर हल्के हाथों से चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक मसाज करनी है और इसको लगे रहने देना है और सुबह हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लेना है। गाइस, यह क्रीम बहुत ही बेस्ट है। इस क्रीम से आपकी स्किन में ब्राइट आएगा और कंटिन्यू यूज़ करने से चेहरे पर ग्लो आएगा क्योंकि ये प्योर
गुलाब की पत्तियों से बनाई गई है। यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है, ये 100% नेचुरल है जो कि स्किन को ब्राइट करती है और स्किन में ग्लो लाती है। और विंटर के अकॉर्डिंग ये क्रीम बहुत ही अच्छी है गाइस, इसे आप सर्दियों में फुल बॉडी पे नहाने के बाद भी लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। गाइस ये क्रीम बहुत अच्छी है, आप इस क्रीम को 13 डेज तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस आपको किसी छोटे बर्तन में डाल के इसको फ्रिज में रखना है और ये 13 डेज तक ख़राब नहीं होगी। बट गाइस इसको बनाते टाइम आपको यहाँ पर ताजी पत्तियाँ लेनी है, आप कोई भी मुरझाई हुई या सूखी हुई पत्तियाँ नहीं लें जिससे ये क्रीम ख़राब हो जाएगी। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।